हाय गाइस, तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी 3 प्रोटीन रिच सैलेड रेसिपीज जो आप समर सीजन्स में अपने लंच में बहुत इजीली ले सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी होती है सैलेड्स की एंड प्लस सिर्फ 5-10 मिनट लगते हैं इनको प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपको पर्सनलाइज डाइट प्लान चाहिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे ईट मोर लूज मोर और मेरे दूसरे चैनल ईट मोर लूज मोर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे 3 प्रोटीन रिच सैलेड्स। सबसे पहला सैलेड है चिक्पी मैंगो सैलेड यानी काबुली चना और आम का सैलेड। ये बहुत ही हाई प्रोटीन रिच सैलेड है। इसके लिए हमें चाहिए भिगोए हुए और बॉईल किए हुए वाइट चने। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से चॉप किए हुए मैंगो। अब ये हाफ मैंगो है, इससे ज़्यादा मत डालिए सैलेड में। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ कुकम्बर। ये इंग्लिश कुकम्बर है, आप कोई भी कुकम्बर ले सकते हैं। और साथ में हम डालेंगे चेरी टोमेटोज। आप नॉर्मल टोमेटो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें सैलेड को प्रिपेयर करने के लिए। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें सीजनिंग के तौर पे हम डालेंगे एक लेमन। मैंने यहाँ पे हाफ लेमन को स्क्वीज किया है और उसके बाद काली मिर्च का पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और तैयार है आपका चिक्पी मैंगो सैलेड। इसमें हम किसी भी तौर का नमक नहीं ऐड करेंगे। अब देखते हैं हम प्रोटीन सैलेड में सेकेंड ऑप्शन में क्या लेंगे। यहाँ हम ले रहे हैं स्टीम की हुई ब्रोकली। इसके बाद अब इसमें डालिए टोफू। यहाँ मैं टोफू यूज़ कर रही हूँ। आप नॉर्मल पनीर भी यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली अगर आपको मिलता है, नहीं तो टोफू यूज़ कीजिए हाई प्रोटीन कंटेंट के लिए। इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ हमें कुकम्बर और चेरी टोमेटोज। नॉर्मल टोमेटो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम एक सैलेड ड्रेसिंग प्रिपेयर करेंगे सैलेड के लिए, जिसके लिए हमें चाहिए होगा फ्रेश लेमन जूस। यहाँ मैंने एक लेमन का जूस स्क्वीज कर लिया है, उसका हम पूरा जूस यूज़ करेंगे। साथ में इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। आप कोई भी ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। एक चम्मच हम डालेंगे ऑलिव ऑयल का। इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसमें सॉल्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सॉल्ट बॉडी में बहुत वाटर रिटेंशन करता है, इसलिए जितना सॉल्ट अवॉइड हो सके उतना कीजिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और तैयार है आपका हाई प्रोटीन सैलेड। ये बहुत ही टेस्टी सैलेड है, आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे समर सीजन्स में और लंच के तौर पे। अब देखते हैं कि हम अपना थर्ड सैलेड क्या प्रिपेयर करेंगे। ये है एक क्रीमी सैलेड, स्प्राउट सैलेड। इसके लिए मैंने ग्रीन मूंग जो होती है उसको मैंने स्प्राउट कर लिया है ओवरनाइट। उसको मैंने पानी में भिगो के रखा 2-3 दिन के लिए और ये स्प्राउटेड मूंग बन चुकी है। इसको आप बॉयल भी कर सकते हैं, मैं यहाँ बॉयल नहीं कर रही हूँ तो इसलिए। इसमें डालूंगी मैं कुकम्बर, चॉप किया हुआ खीरा, चॉप किया हुआ चेरी टोमेटो। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसको देखते हैं हम क्रीमी कैसे बनाएंगे। इसमें मैं थोड़ा सा स्टीम ब्रोकली भी ऐड कर रही हूँ ताकि ये क्वांटिटी में इंक्रीज हो जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। इसकी ड्रेसिंग के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लो फैट दही। आप नॉर्मल हंकर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लो फैट दही यूज़ किया है, साथ में लेमन जूस। सॉल्ट हम कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे। ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर फिर से, ताकि हमें सॉल्ट की क्रेविंग ना लगे इसमें। और इसमें टेस्ट के लिए मैं डालूंगी मिक्स्ड हर्ब्स। ये इटालियन सीजनिंग है, चिली फ्लेक्स भी है इसमें, सब कुछ है, थाइम, पास्ते, ऑरिगेनो, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको सैलेड के साथ मिक्स कर दीजिए और तैयार है आपका क्रीमी सैलेड विदाउट एनी फैट एंड विदाउट एनी क्रीम। तो ये है आपके डिलिशियस प्रोटीन रिच सैलेड्स। आप मेरा समर वेट लॉस डाइट प्लान भी चेक कर सकते हैं, इसकी हेल्प से आप कम से कम 7-8 किलोज लूज कर सकते हैं 10-15 दिन में। अगर आपको पर्सनलाइज डाइट प्लान चाहिए मुझे, आप मुझे मेल कर सकते हैं eatmorelosemore7@gmail.com पे, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं डायरेक्टली आपको मैसेज के थ्रू चैट करूँगी और मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट ऑलवेज।